आदे सजीव कर देती है। सुबह उठने के बाद इसी जंगले के हत्ते पर हाथ रखकर बाबा बैठा करते और टकटकी लगाए धुनी को देखा करते। खंबे से टेका लगाकर बैठे या दीवार के सहारे खड़े बाबा, ये भी शिरडी वासियों के लिए परिचित दृश्य थे। मगर आज तमाम भक्त जनों के हृदय में समा गई है वो साईं बाबा की शिला पर विराजित मूर्ति। शिरडी में आने वाला हर श्रद्धालु साईं बाबा के स्पर्श से पावन हुए इस शिला पर अपना माथा टेक कर धन्य हो जाता है। बाबा के समय से ये तुलसी वृंदावन यहीं पर है। परंपरागत हर साल यहां तुलसी विवाह किया जाता है। प्रतीक स्वरूप रखी गई ये सारी चीजें, यानी पानी का मटका, भिक्षा पात्र, बाबा के बैठने की शिला, बस इतनी ही थी बाबा की जायदाद और थी ये चक्की। बाबा स्वयं अपने हाथों से अनाज दला करते थे, मगर ये कोई मामूली चक्की नहीं। इस चक्की के दो पार्ट प्रतीक है, कर्म और भक्ति के। बाबा अपने ज्ञान रूपी हत्ते से इन पार्टों को गतिमान बनाए रखते थे और भक्तों का अहंकार मिटाया करते थे। ये गेहूं का बोरा, ये बोरा हर साल साईं महाराज के रामनवमी उत्सव पर बदला जाता है। बाबा के पावन वास्तव्य से द्वारका माई ये एक ऐसा पुण्य स्थल बन गया जहां धर्म, जाति, पंथ आदि सारे भेद नष्ट हो गए। सबका मालिक एक, ये मंत्र देने वाले साईं बाबा ने इसे समस्त मानवता का प्रार्थना स्थल बना दिया। सारे इंसान एक है, इस वास्तव का अज्ञान ही शायद मानव जाति के दुखों का सबसे बड़ा कारण है। और शायद इसीलिए बाबा कहा करते थे, ये केवल मस्जिद ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका भी है। यहां आने के बाद सारे दुखों का नाश होना ही चाहिए। जैसे जैसे बाबा की अगाध लीलाओं का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा, उनके भक्तों की तादाद भी दिन बदिन बढ़ने लगी और बढ़ती ही गई। भक्तों को अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम चाहिए, सो उन्हें मिला उत्सव में। उन्हीं के साथ रीति रिवाज बनने लगे, परंपराएं शुरू। उन्हीं परंपराओं में से एक है शोभा यात्रा, साईनाथ की शानदार शोभा यात्रा। द्वारका माई से बड़े गाजे बाजे के साथ निकलती थी। बाबा की कृपालुता की वजह से बाबा को कई भक्तगण प्राप्त हुए और एक एक भक्तगण ऐसे जैसे कोई अनमोल हीरा। जैसे बापू साहेब जो शोभा यात्रा में बाबा के माथे पर छतरी धरा करते थे, और महारसापति जिनके आओ साईं स्वागत शब्दों ने इतिहास रचा, शोभा यात्रा में सदैव बाबा की बाईं ओर रहते थे। दाईं ओर रहने वाले तात्या पाटिल कोते तो बाबा के इतने लाडले थे कि उन्हें बाबा को मामा कहकर पुकारने का अधिकार प्राप्त हुआ था। और क्यों न हो, उन्हीं की माता बाईजाबाई ने बाबा को प्रथम खाने को रोटी दी थी। भजन कीर्तन करते भक्त जनों के साथ शोभा यात्रा इस चौपाल पर आ पहुंचती, जिसे चिंचनी कर चावड़ी भी कहा जाता है। ज्ञानेश्वर, तुकाराम आदि संतों की आरती होने पर बाबा हाथ जोड़कर नमस्कार किया करते।
रात चावड़ी में ही गुजार कर सुबह काकड़ आरती हो जाने पर बाबा द्वारका माई लौट आया करते। हर दूसरी रात यहां सोने आने का क्रम बाबा के अंतिम समय तक निरंतर चलता रहा। आज भी हर गुरुवार रात 9:15 बजे बाबा की प्रतिमा, पादुका और सटका, इनकी पालकी समाधि मंदिर से शुरू होकर द्वारका माई होते हुए चावड़ी आ पहुंचती है। बाबा की आरती होने के बाद पालकी समाधि मंदिर की ओर लौटती है। आगे हड़ू हड़ू चाला, पुकारे साईनाथ बोला, भाई हड़ू हड़ू चाला, पुकारे साईनाथ बोला, पुकारे साईनाथ बोला, पुकारे साईनाथ बोला, मार्गे हड़ू हड़ू चाला, पुकारे साईनाथ बोला, केशरी गंध बाबा तुझा मला छंद, पाई केशरी गंध सद्गुरु तुझा मला छंद। उस समय शिरडी में पानी की बड़ी किल्लत थी। साईनाथ ने भक्तों को जल प्रदान किया। गोपाल राव बुट्टी, काका साहेब दीक्षित, सगुन राव नाइक आदि परम भक्तों का शारीरिक श्रम और साईं बाबा की आध्यात्मिक प्रेरणा ने साकार की एक बावड़ी। बावड़ी जिसने शिरडी के सारे लोगों को, फिर वो किसी भी कौम के हो, एक नया जीवन दान दिया। क्योंकि साई जानते थे कि जल ही जीवन है और उनकी ये सीख आज भी नहीं भूला है श्री साई बाबा संस्थान शिरडी। इस बात की जीती जागती सबूत है कनकोरी तालाब योजना, जिसका निर्माण संस्थान ने राज्य शासन के जीवन प्राधिकरण